शहर के मनीष नगर रोड रामटेके नगर के पास बोरकर लेआउट के खसरा नंबर 87 को भूखंड नंबर 2 और 8 3000 स्क्वायर फुट के दो प्लॉट पर बिल्डर द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर एक विधवा व गरीब वरिष्ठ नागरिक से उसका प्लॉट हड़पने की साजिश की जा रही है। पुलिस में अनेक शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक उसके खिलाफ कोई भी राहत नहीं दी गई है। पीड़ित महिला ने पत्र परिषद के दौरान आप बीती बयान की है। इससे पीड़ित महिला ने डीसीपी से इस मामले में शीघ्र दखल देकर न्याय दिलाने व मदद करने की मांग की है, अन्यथा गृह मंत्री के निवास के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। भूखंड मालिक कांताबाई कुरवंशी ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के पास गुहार लगाते हुए कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर शहर में शांति व कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रहे। लेकिन दूसरी ओर गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में अजनी थाने के अंतर्गत कथित भूमाफिया बेखौफ होकर विधवा और बेसहारा विधवा महिला के भूखंड पर कब्जा कर रहे हैं। इस स्थिति में अजनी पुलिस उन पर कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों की मदद कर उनके कृत्यों पर पर्दा डालने का कार्य कर रही है। बताया गया है कि खेत मालक शंकर बोरकर को धोखाधड़ी का आरोपी बनाया गया था। बिल्डर बालकृष्ण भटकर फरार था। बिल्डर यशवंत इंगले का बयान दर्ज किया गया था। जब बोरकर व भटकर आरोपी बन सकते हैं तो फिर बिल्डर अनिल खानोर व मनोज एनप्रेडीवार नीलेश खोड़े को जमीन बेचने के मामले में आरोपी क्यों नहीं बन सकते। कांताबाई ने पुलिस की मांग की उन आरोपियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसी मांग आयोजित पत्र परिषद के दौरान पीड़ित महिला की ओर से की गई। निर्वाचन क्षेत्र मेडिकल के पीछे मनीष नगर रोड पर बोरकर लेआउट है। इस बोरकर लेआउट में हमारी सासु माँ के नाम से प्लाट नंबर 2 और प्लाट नंबर 8 1974 में खरीदी किए थे। खेत मालक भावदार बोलकर गणपत बोलकर ये दो बोलकर बंधुओं ने 1974 में पंजीबद्ध रजिस्टर्ड सेंटिंग द्वारा इनको भूखंड बेचा और कब्जा दिया। मैं अनुमति चाहता हूँ मेरी सत्ता झोंपड़ा बनाया। मेरे ससुर टेलरिंग का काम करते थे, कपड़े सीते थे और कपड़े सी सी कर उन्होंने 1974 में हमारे सासू माँ के नाम से प्लाट खरीद कर दिया। बहुत ही मेहनत से प्लाट खरीदा, खेत मालक ने कब्जा दिया, हमने झोपड़ा बनाया और मेरे ससुर उसमें दिन भर रहते थे।